program display required patterns using C programs or using looping statements. इस केस में total two loops use करेंगे. Previous session में discuss किया था, जब भी आपको data row and column के form में print कराना है, always use क्या करें इस केस में two loops, outer loops as well as inner loops. Outer loop का execution depend करेगा, number of iterations depends करेंगे how many row are required. Same as inner loop के iterations depend करें number of columns. इस केस में अगर row के respect में count करें, number of rows कितने इस केस में, this one is a first row, this one is a second row, this one is a third row, this one is a fourth row. इस केस में total row कितने है, four row. Same as columns के respect में बात करें, this one is a first column, this one is a second column, third column and fourth column. टोटल रो कितने इस पैटर्न के अंदर, फोर रो एंड फोर कॉलम्स. कॉलम्स के केस में कुछ प्लेसेस पर क्या डिस्प्ले कराना है, स्पेस. सम प्लेसेस हैज रिक्वायर्ड स्टार्स, जैसे इस केस में स्टार्स. रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट केस क्या डिस्प्ले कराना है, समथिंग स्पेस, टू स्पेस, थ्री स्पेस. फर्स्ट रो के केस में टोटल स्पेस कितने है, स्पेस मींस प्रिंट नथिंग. फर्स्ट रो में टोटल स्पेस कितने रिक्वायर्ड है, थ्री स्पेस एंड वन स्टार. सेकंड रो के इसमें स्पेस कितने रिक्वायर्ड है, टू स्पेस, टू स्टार्स. थर्ड रो के अंदर स्पेस कितने है, वन, और स्टार्स कितने है, थ्री. लास्ट रो के इसमें स्पेस कितने, जीरो, स्टार्स कितने, फोर. जब भी आपको डेटा स्टार्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना, सबसे पहले इमीडिएटली आपको मैनेज क्या करना है, सम लूपिंग स्टेटमेंट. सिंपल ऑलरेडी डिस्कस किया था, जस्ट इस केस में काउंट करेंगे सबसे पहले हाउ मेनी रो इज अवेलेबल. नंबर ऑफ रो कितने करेंटली इस पैटर्न के अंदर, फोर रो. तो इसलिए आउटर लूप कितनी बार मैनेज होगा, फोर टाइम्स. प्लस इनर लूप कितनी बार मैनेज होगा, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉलम्स. टोटल फोर रो है, फोर कॉलम, तो आउटर लूप भी फोर टाइम मैनेज करना है, इनर लूप भी फोर टाइम मैनेज करना है. नेक्स्ट थिंग्स, इस केस में टोटल टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, इटरेटिव वेरिएबल्स आई एंड जे. इसके अलावा भी करेंटली पैटर्न फिक्स्ड है ओनली फोर, बट सपोज दैट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स टोटल इस केस में फोर है, अगर सेम वैल्यू मुझे कीबोर्ड से रीड डाउन करना है, देन यूज क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल समथिंग एन. इस केस में एन का वैल्यू कीबोर्ड से रीड करें, एन क्या, इस केस में ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स और गिवन पैटर्न, एंटर वैल्यू ऑफ एन. अगर एन का वैल्यू फोर है, देन रो भी कितने होंगे, फोर, और कॉलम्स भी कितने होंगे, फोर. अगर एन का वैल्यू फाइव एंटर किया, देन नंबर ऑफ रो कितने होंगे, फोर रो, फोर फाइव रो, फाइव कॉलम्स. सिंपली एन का वैल्यू मीन्स इसके मुझे डायनेमिक पैटर्न क्रिएट करना है. इस करेंटली पैटर्न कैसा, स्टैटिक. मीन्स अगर रन टाइम पर एन का वैल्यू कुछ भी एंटर करो, वो सभी केस में वर्क करना चाहिए, परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन. नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट सबसे पहले काउंट करें नंबर ऑफ रो. रो कितने इस केस में, फोर रो. इसलिए आउटर लूप कितनी बार मैनेज होगा, फोर टाइम्स. किसी भी लूप को फोर टाइम मैनेज करना, तो इस केस में पॉसिबल इटरेशंस के यूज कर सकते हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर. मीन्स लूप जरूरी नहीं कि आपको वन से स्टार्ट करना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली इसका एग्जीक्यूशन कितनी बार होना चाहिए, फोर टाइम्स. सपोज सेट अगर मैंने लूप स्टार्ट किया फ्रॉम इलेवन, देन इस केस में टोटल इटरेशन कितने, 11, 12, 13 और 14. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. इस केस में इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, 11, कंडीशन क्या हो जाएगा, 14. मैं वन से स्टार्ट करूंगा सारे केसेस में, इसलिए इस पैटर्न में, इस सीरीज में इनिशियल वैल्यू क्या है, वन. इसलिए आई को इनिशियलाइज किससे करेंगे, वन से. कंडीशन क्या आएगा इस केस में, लास्ट वैल्यू आई लेस देन इक्वल्स टू फोर. डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, वन का, इसलिए यूज क्या करेंगे, आई प्लस प्लस. दिस वन इज आउटर लूप. नेक्स्ट वन, इनर लूप. इनर लूप किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करें, नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल कॉलम्स भी कितने इस केस में, फोर. वन मोर थिंग, इस केस में सपोज दैट रन टाइम पर एन का वैल्यू अगर फोर एंटर किया, तो इस प्लेस पर फोर के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, जस्ट एन, नॉट अ फोर, बिकॉज ऑफ डायनेमिक लूप्स. नेक्स्ट वन, इनर लूप. इनर लूप के केस में यूज क्या करेंगे, अगेन इनर लूप का भी एग्जीक्यूशन फोर टाइम स्टार्ट करना, फोर टाइम इटरेट करने के लिए यूज क्या करेंगे, जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू आइदर फोर और फाइव. करंट केस में फोर है, फोर, लेकिन सपोज दैट अगर एन का वैल्यू आपको डायनेमिकली रीड करना है, इसलिए यूज क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल्स टू एन. इन दैट केस एज्यूम वैल्यू ऑफ एन इज एंटर्ड एज फोर. इसलिए इसका लॉजिकल मीनिंग क्या होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू फोर, जे लेस देन इक्वल्स टू फोर एंड जे प्लस प्लस. मीन्स इस टाइप से स्टैंडर्ड लूप मैनेज करेंगे, स्टैंडर्ड पैटर्न्स, देन क्लोज दिस लूप. जब इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इनर लूप से क्या रिप्रेजेंट होगा, सिंगल रो. सिंगल रो डिस्प्ले होने के बाद लाइन चेंज करने के लिए यूज क्या करेंगे, आउटसाइड
inner loop printf simply slash n displaying slash n. Slash n का working क्या रहेगा? Changing line after displaying one row. Next things, for loop के केस में use क्या करें? If previous cases में all times आपको star display कराना था, इसलिए star unconditionally display करना possible, लेकिन इस केस में use क्या करेंगे? If conditions, condition क्या हुआ बाद में try करेंगे. If के cases में इस केस में two value expected values क्या हैं? Either space or star. या तो आपको star display करानी नहीं है या फिर space. Less क्या है इस केस में? Less times occur क्या हुए हैं? Spaces. इसलिए condition spaces के लिए apply करेंगे. अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इफ के बॉडी पार्ट में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू और मैसेज एज स्पेस सिंगल स्पेस इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पर डिस्प्ले क्या कराएंगे? इसमें इस कंट्रोल का चेंज इनसाइड एल्स बॉडी और एल्स बॉडी में डिस्प्ले क्या कराएंगे? स्टार. एल्स बॉडी में क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार. मींस इस केस में वन थिंग क्लियर है, जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा लूप के केसेस में टोटल मींस फर्स्ट टाइम सपोज स्टार्ट अगर n का वैल्यू 4 एंटर है देन स्पेस पर रिप्लेस किया जाएगा 4 4 4 रो 4 कॉलम्स. इन दैट केस जब 4 बाय 4 फर्स्ट टाइम आउटर लूप के एग्जीक्यूशंस कितने होंगे? 4. टोटल एग्जीक्यूशंस कितने? 4. तो इनर लूप के टोटल इटरेशंस कितने होंगे? फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो? 4 टाइम्स. सेकंड टाइम जब आउटर लूप चलेगा इनर लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स. थर्ड टाइम आउटर लूप के केस में अगेन इनर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट. 4 टाइम आउटर लूप के रिस्पेक्ट में इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट? 4 टाइम. तो इनर लूप के टोटल इटरेशंस कितने हैं? दिस वन इज n मींस i स्क्वायर. i लूप कितनी बार चला? 4 टाइम्स 4 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या? 16. 4 + 4 + 4 + 4 = 16 टाइम्स. इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो? 16 टाइम्स. लेकिन इस केस में एवरी टाइम स्टार रिक्वायर्ड है क्या? नहीं. मींस कुछ प्लेसेस पर स्पेस रिक्वायर्ड है, कुछ प्लेसेस पर स्टार रिक्वायर्ड है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट लूप? मींस अभी मैंने जो आपके लिए लॉजिक्स प्रोवाइड किए और गिवन पैटर्न दैट किए, इस पैटर्न के थ्रू मींस आउटर लूप में आप जब नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट पैटर्न डिस्प्ले कराऊंगा, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर आपको ना ही आउटर लूप में चेंजेस करने की नीड होगी ना ही इनर लूप. ओनली सिंगल प्लेसेस पर चेंज करूंगा, ओनली इन प्लेस ऑफ इफ कंडीशंस. मींस इफ कंडीशंस के बेसिस पर आइडेंटिफाई होगा किस केस में स्पेस प्रिंट करानी जरूरत है, किस केस में स्टार प्रिंट करानी नीड है. कंडीशन में स्पेसेस के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड करना. कंडीशन फॉल्स होने पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा? स्टार. अब कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन कैलकुलेट कैसे करें. वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट टाइम जब पैटर्न चेंज करेंगे आपको आउटर लूप इनर लूप में चेंज नहीं करना, ओनली इफ कंडीशन चेंज हुआ. आउटर लूप कब चेंज होगा? जब नंबर ऑफ रो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. इनर लूप कब चेंज होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. जनरली इस प्लेस पर 4 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे? एन. करंटली इस प्रोग्राम में मैंने 4 प्रोवाइड किया है, यूज क्या करेंगे? एन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंडीशन? अगर 4 बाई 4 के केस, सपोज दैट एन का वैल्यू अगर 4 है, तो इस केस में 4 बाई 4 का जब मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, रो कितने होंगे इस केस में? 4 रो 1 2 3 4. दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. इनर लूप, इनर लूप के केसेस में कॉलम्स क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम. इस केस में टोटल कॉम्बिनेशंस राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 एंड 1 4. सेम है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4. अभी मैं आपको जो भी लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास इससे बेटर लॉजिक अवेलेबल, लेकिन मैंने आपको जो भी लॉजिक्स प्रोवाइड करूँ इस टाइप के लॉजिक एक्सप्लेन, जो कि सभी प्रोग्राम्स में अप्लाई होंगे. मीन्स जब भी नेक्स्ट टाइम मैं पैटर्न चेंज करूँगा आपको पूरा प्रोग्राम मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, ओनली सिंगल प्लेस चेंजेस. चेक इट. इस केस में रिक्वायर्ड पैटर्न क्या? दैट वन. तो इस केस में सिंपली चेक करो इस केस में किस प्लेसेस पर स्पेस रिक्वायर्ड है, किस प्लेसेस पर स्टार रिक्वायर्ड. मीन्स ए पर्टिकुलर केस, इस अपर केसेस के केस में रिक्वायर्ड क्या है? स्पेस. लोअर केस के केस में रिक्वायर्ड क्या है? स्टार. और इस केस में जो भी फर्स्ट वैल्यू है दिस वन इज समथिंग आई, सेकंड वैल्यू क्या है? समथिंग जे. तो इस केस में आई और जे में रिलेशन क्रिएट करके कंडीशन से अप्लाई करेंगे. आई और जे में फर्स्ट केस में रिलेशन क्या है? इन दैट केस अगर एन का वैल्यू 4 है, इस केस में चेक करो I और J दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, कंडीशन क्या आएगा? I प्लस J. इन अपर ट्रायंगुलर में और अपर केसेस में I और J का एडिशन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 4. हर एडिशन ऑफ I एंड J इज लेस देन इक्वल्स टू 4. चेक करो इस केस में फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में एडिशन क्या है? 2.
सेकेंड केस में एडिशन क्या है 3, फोर्थ केस में एडिशन क्या है 4, नेक्स्ट वन एडिशन क्या है 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4. तो इस केस में सारे के सारे एडिशन कैसे हैं, ऑल आर लेस देन इक्वल्स टू 4, चेक इट। रिमेनिंग केसेस में ऐड करा चेक करोगे सारे के सारे एडिशन कैसे हैं, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। इस केस में क्या रहा 5 5 5 5, 6 6 6, 7 7 8, सारे के सारे एडिशन कैसे हैं, ग्रेटर देन 4। कंडीशन किसके लिए अप्लाई करना है, स्पेसेस के लिए, और स्पेस के केस में कंडीशन क्या है, आई और जे का एडिशन क्या आएगा, हियर आई एंड जे एडिशन, आई प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन क्या है इसके, इसमें लेस देन इक्वल्स टू 4, लेकिन यहाँ कंडीशन में 4 के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेंगे, कंडीशन n के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड करेंगे डायनेमिकली। कंडीशन क्या है इसके, इसमें i लेस देन इक्वल्स टू n, j लेस देन इक्वल्स टू n, इसलिए इस प्लेस पर कंडीशन क्या आएगा, i प्लस j लेस देन इक्वल्स टू n। दिस इज द इफ कंडीशन। जब भी इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस केस में क्या प्रिंट होगा, स्पेस, अदरवाइज स्टार। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो डिस्प्ले क्या हुआ, गिवन पैटर्न। अगर आपने एन का वैल्यू रन टाइम पर 5 एंटर किया देन सेम लॉजिक इंप्लीमेंट होंगे, आउटपुट डिस्प्ले हुआ इन द फॉर्म ऑफ 5 रो 5 कॉलम। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट पैटर्न डिस्प्ले कराऊंगा इसी केस में, देन नेक्स्ट पैटर्न के केस में ओनली सिंगल प्लेसेस चेंज करने की जरूरत होगी, ओनली इफ कंडीशन। रिमेनिंग केस कैसा रहेगा, एग्जैक्टली सेम।